हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं साली अपने चैनल साली ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत करती हूँ। और शाम के बज चुके हैं 6 और मैं पढ़ के उठ चुकी हूँ, तो अब मैं चलूँगी किचन में और चाय बनाऊँगी। और साथ में मैं आज बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा, तो चलती हूँ। पहले मैं तैयार कर लेती हूँ कि मुझे उसमें क्या क्या डालना है, तो सब देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है। और अम्मा को मैंने दे दिया है, वो नारियल को घिस रही हैं और वो कट जाता है। इसके बाद मैं और ड्राई फ्रूट्स काटूंगी और इसके बाद मैं हलवा बनाऊंगी। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में और अब मैं बनाऊंगी हलवा, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है और मेरी कढ़ाई गर्म भी हो गई है, तो अब मैं उसमें घी ऐड कर रही हूँ। तो घी मेरा गरम हो गया है और अब मैं उसमें जो है सूजी मिक्स करूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे जितना बनाना है हलवा, उतने अंदाज़ से मैं सूजी उसमें मिक्स करूंगी। और सूजी को मैं भून रही हूँ घी में, तो वो जब तक ब्राउन नहीं हो जाता तब तक मैं उसको भूनती रहूँगी। और आप लोग देख सकते हैं, उसके साथ साथ मैं ड्राई फ्रूट की भी तैयारी कर रही हूँ। तो नारियल घिस के जो है अम्मा ने दे दिया है, और किशमिश बादाम भी मैं कट करके उसमें ऐड कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं इस समय बादाम को कट कर रही हूँ और अब मैं उसमें किशमिश भी ऐड कर दूँगी। और तो मेरा ड्राई फ्रूट तैयार हो गया जो मुझे डालना है, तो मैं हलवा में अब डाल दूँगी। तो सूजी को मैंने घी में भून लिया, उसके बाद मैंने उसमें ड्राई फ्रूट को ऐड कर दिया और अब उसको अच्छे से मैं भून लूँगी जब तक वो पूरा ब्राउन नहीं हो जाता। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी सूजी ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी जितना में हलवा जो है अच्छे से हो जाए, और उसके बाद मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। हम लोग थोड़ा मीठा पसंद करते हैं, इसलिए मैं चीनी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। और मेरा हलवा लगभग बन चुका है, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है पूरा भून के बढ़िया से हलवा बन चुका है। अब मैं हलवे को प्लेट में निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अम्मा को भी देना है और इनको भी देना है। तो आप लोग देख सकते हैं, अम्मा ज़्यादा नहीं लेती हैं, तो उनको मैंने छोटे प्लेट में निकाला हुआ है। और अब आप लोग देख सकते हैं, पापा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं चाय दे रही हूँ। और हलवा खा चुके और किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया। तो अब मैं किचन का काम ख़त्म करके, आप लोग देख सकते हैं कि मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। यहाँ मेरा किताब कॉपी सब रखा हुआ है, तो अब मैं करूँगी पढ़ाई। तो 1 से 2 घंटे मैं पढ़ूँगी, और 1-2 घंटे पढ़ने के बाद 8:30-9 तक मैं उठती हूँ। तो इसके बाद मैं अपना जो है खाना बनाती हूँ, और 10 बजे तक तो सब खा ही लेते हैं मैक्सिमम। उसके बाद हम लोग थोड़ा देर टहलते हैं छत पे, और उसके बाद फिर हम फिर से पढ़ाई चालू करेंगे। तो इस टाइम मैं मॉर्निंग में उठ रही थी 4 बजे पढ़ने के लिए, लेकिन रात में लेट हो जाता है, 12 बज जाता है, कभी कभी 1-2 बज जाता है, तो जो है नहीं उठ पाते हैं। अब आज ही मैं नहीं उठ पाई, तो मैं आज से सोच रही हूँ कि मैं रात में ही 1 से 2 बजे तक पढ़ कर ही सोऊँगी, क्योंकि सुबह उठने में प्रॉब्लम्स होती है। रात में भी सही रहता है, सब लोग सो जाते हैं, शांति रहती है, पढ़ने में अच्छा रहता है, और 3-4 घंटे आराम से पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं चलूँगी फ्रेंड्स पढ़ने के लिए, क्योंकि किताब मैंने रख ली है और लेट भी हो रहा है, नहीं तो अभी जल्दी से 8:30 बज जाएगा, तो मुझे खाना बनाने के लिए उठना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, जो है काफ़ी मेहनत हम कर रहे हैं ब्लॉग्स के लिए, अपने रूटीन के लिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक और चैनल है, स्टडी चैनल, ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ने वाले हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं, करेंट का, इंग्लिश का, और जो है काफ़ी सब्जेक्ट का मैंने वहाँ पे वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।